नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्लौर में और ये डुमरियागंज से करीब एक कस्बा है जहां आज हम लेकर आए हैं चुनाव यात्रा का दूसरा एपिसोड। जिक्र करेंगे हम आपसे आज कई उन अहम बातों पर जो इस चुनाव में कहीं वोटों का क्रम इधर से उधर कर सकती है। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों से क्या कुछ उनके दिमाग में और क्या कश्मकश चल रही है, चुनावी दौड़ में कितना आगे कौन प्रत्याशी है, ये हम पूछेंगे यहाँ बैठे कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? मैं कामयाब। थोड़ा तेज अगर आप बोलेंगे हम आपका कैमरामैन से कहेंगे कि बहुत गरीब है। मेरा नाम है सैयद कामयाब हैदर रिजवी। भैया कामयाब भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जानेंगे इनसे कि किस प्रकार से ये वोट आपकी देंगे, कहाँ देंगे, ये सब बातें तो खैर कोई बताता नहीं है। इनसे ये पूछेंगे जरूर कि भैया जीत कौन रहा है, माहौल किसका बढ़िया चल रहा है। तो भैया कामयाब साहब, आपके आस पड़ोस में कुछ लोग होंगे जो जान रहे होंगे, कह रहे होंगे भैया कि आपकी इनको वोट देना उनको देना, का इक्वल सोच के तू वोटवा दे हो या एक बात तो मानो भैया की विकास के मुद्दा दे हो या समझ लो क्या, अपने हिसाब से तो बताओ। अभी ये स्थिति है कि जो लोग गांव के लिए कुछ कर रहे हैं उनके उनको देख के वोट मिलेगा, तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि गरीब लोग की सहायता करनी चाहिए तो गरीब लोग की सहायता होनी चाहिए, ठीक है, और सहायता होगी तो वोट मिलेगा। अभी ये नहीं बता सकते किसको वोट देना है, जब देखेंगे सहायता होगी तो वोट मिलेगा। अच्छा एक बात मानो जरा, कहा था भैया कि गरीब का कौनो धर्म नहीं होता है, समझे हो, जो दो रोटी और खुशी से जो दो बातें कर दे गरीब वह झंडा उठा लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो भैया तुम्हारे हिसाब से मानो देखा अगर कौनो भी आज प्रत्याशी उत्याशी है और तुझसे कहे कि हमसे जो है ऐसा तो नहीं कोई कि पैसा पर बिक जावे, ईमान में दे, बस यह है कि सबकी इच्छा ही है गांव परिवार का हर जगह हर चीज करेक चाहिए, जानो कि हर चीज करना चाहिए, हर आदमी की सहायता होनी चाहिए पहला नंबर। तो भैया ये जो है कामयाब साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात कही क्योंकि हर व्यक्ति की सहायता होनी चाहिए। और यहाँ हमारे साथ एक लोग और बैठे हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सैयद इम्तियाज अहमद रिजवी। हमें लोग नेता नेता कहते हैं, भाई जी नेता के नाम से मशहूर हूँ और वोट का जो है चर्चा चल रहा है, मगर बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, बस पब्लिक तो यही कह रही है कि जो जीत रहा है भैया उसी को जिता दो। और जहां तक विकास विकास की बात है तो विकास तो होना ही नहीं है, इसलिए यहां के लोग जो है विकास नहीं जानते हैं, अविनाश जानते हैं। बहुत खूबसूरत, गांव का जो है अविनाश ही हो जाए, ना तो जो है नाली सही चाहिए, ना नाबदान सही चाहिए, ना रोड सही चाहिए, आदमी इसी में सेट हो गया है और हर आदमी यहाँ का एक दूसरे का रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार के बेस पे कोई विकास तो होना ही नहीं है। अच्छा एक सवाल हम आपसे पूछेंगे जरूर, रिश्तेदारी की बात जहाँ आती है आपके भी कोई ना कोई रिश्तेदार खड़े होंगे चुनाव में? हाँ तो है, खड़े हैं, मगर ये वाली बात भैया बड़े धीमे से बताए रहे हमका तुम। नहीं नहीं, हाँ रिश्तेदार तो खड़े हैं, मगर अब उसमें क्या है कि जो थोड़ा मोटे मोटे लोग होते हैं उन्हीं को काम मिलता है। अच्छा, उन्हीं की जो है जेब भरी जाती है और हम जैसे को जो है साइड में कर दिया जाता है। जैसे नाली साफ करवाना हुआ, नाली बनवाना हुआ, पिछले 5 साल में कोई फायदा नहीं हुआ आपको? अब फिलहाल तो जो है कुछ फायदा किसी का नहीं हुआ, ना तो हमारा ही हुआ है ना तो गांव का हुआ है। अच्छा तो गांव का अगर आप कहते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ तो, लेकिन अगर हम देखें तो सड़कों की इंटरलॉकिंग हुई है और उसके बाद अगर आप देखें तो करबले में भी कुछ काम हुआ है, यहाँ का जो एक धार्मिक स्थल है वो प्रधान जी के सौजन्य से काम कराया गया, या मैं अगर बात करूं कि लाइटें उन्होंने लगवाई तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई उन्होंने रोड लाइट लगवाई, वो सोलर लाइटें लगवाई थी शुरुआती दौर में, तो इन सब कार्यों का आपसे क्या लेना देना नहीं है? अब वैसे तो जो है सार्वजनिक काम नहीं हुआ, सिर्फ दिखाने वाला काम हुआ है, दिखा के वोट लेने वाला काम हुआ है।
मोहल्ले की हालत अच्छा दिखा कर वोट देने वाला काम अगर मान लीजिए इस वक्त मौजूदा परिस्थितियों में अभी यहाँ कोई एक नई एम्बुलेंस ला के खड़ा कर दे तो क्या अब की आप वोट ओसाई को देंगे? तो एम्बुलेंस आएगी, 4 महीना 6 महीना चलेगी, उसके बाद उसके घर परिवार के लिए हो जाएगी। हर कार जो है होता है दिखाने के लिए, उसके बाद फिर वो उसकी निजी प्रॉपर्टी हो जाती है उसके रिश्तेदारों की। भगवान कसम बता रहे भैया, इस बार जो है यहाँ का जनता जो है एकदम आक्रोशित होकर बैठी है। कसम खुदा के अंदाजा ऐसा लग रहा हमको, ये चुनाव जो है ये चुनाव नहीं ये जंग हो गई है। और इस प्रकार के अगर जंग लगातार बढ़ती जा रही है, हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो धीरे धीरे हमारे साथ आ रहे हैं। अब हमसे जो अनुरोध करेंगे कि वो बैठे जरूर यहाँ पर और बैठे चाचा, उनसे चर्चा भी होती रहेगी इस प्रकार से। देखिए भाई, बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर कही और इस बात को हम हमारे साथ नए अतिथि जरूर जुड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम बी डी रिजवी है। रिजवी साहब, आपसे सवाल वही रहेगा जो हमारा पहले रहा कि भाई चुनाव की इस वक्त चर्चा चल रही है हर गली मोहल्ले में, और COVID-19 को ध्यान में रखते हुए इस बार चुनाव कैसा होगा, कुछ अंदेशा आप लगा सकते हैं? चुनाव तो बिल्कुल सही होगा, अच्छा ही होगा, और COVID-19 को हम देखते हुए डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग हम पालन करेंगे और वोट भी देंगे हम। तो रिजवी साहब एक सवाल और, यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं लेकिन हमने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हाल ही में एक सर्वे किया, मालूम ये चला कि यहाँ जो है भैया रिलेशन के बेसिस पे वोट होता है। होता है, बिल्कुल सही कहा। देखिए हम हिंदी बोलेंगे अंग्रेजी बोले, आप हिंदी अंग्रेजी जो बोलिए हम सब एक हैं, एक तो, टेंशन ले रहे हैं। नहीं नहीं, आप कंफर्टेबल होइए, कोई दिक्कत नहीं। कंफर्टेबल नहीं यार, ये मतलब यार ये लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हियर, जस्ट लाइक कसीम पाल, ताकिब रिजवी, मेहदी हल्लोरी, खुर्शीद हल्लोरी, खादिम हल्लोरी, और वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द विनिंग कैंडिडेट मिस्टर ताकिब रिजवी। सो व्हाई यू ओनली थिंक दैट ताकिब रिजवी इज गोइंग टू बी यू नो द विनिंग कैंडिडेट? रीजन रीजन व्हाट इज इट? बिकॉज ही इज इवन अ सो मच जेंटल and experience holder. He became a 17 years person. रिजवी साहब का कहना है ताकिब साहब इस बार जो है आग लगा देंगे, कह रहे हैं मतलब चुनाव इस बार बम्पर हो जाएगा, समझ रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला हाल है ताकिब साहब का। लेकिन इस बीच खादिम साहब और कसीम साहब भी अपने आप में एक जुझारू कैंडिडेट जरूर हैं, उनके बारे में भी जानेंगे हम रिजवी साहब से। जी साहब, आई विल नॉट आउट आई आल्सो रियलाइज योर वर्ड्स, दे आर जुझारू कैंडिडेट, बट नो कंपैरिजन बिटवीन ताकिब एंड खादिम एंड भैया तुम्हारा भी यही मानना है ताकिब साहब जीत रहे हैं? भेड़ बकरी तेरा हाँ अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब देखिए चर्चा जिसकी चल रही हो और आप चुनाव में वोट देने गए हो, आखिरी में आपका एकदम दिमाग बदल गया हो और आपने किसी और को वोट डाला हो, घर आके अफसोस कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं हम? नहीं नहीं, अफसोस तो खैर किसी का किसी बात को लेके नहीं होता है, इसलिए जो है ये वोट का हिसाब किताब है। अगर नोट का हिसाब किताब हो तो इंसान को जो है अफसोस होता है। वो तो रात के एक दिन पहले मतदान के नोट नहीं, जैसे रात के 12 बजे वाले हैं दरवाजा खोलने वाले, उनको अफसोस होगा। हम पर दिन में जो है खोलने वाले दरवाजा है, इसलिए हमें अफसोस नहीं होगा। बहुत शानदार बात कही इन्होंने, कहा कि रात के 12 बजे के बाद और हमारे साथ यहाँ पर हमारे प्रधान है, बैठिए बैठिए। चर्चाओं का ये दौर चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने आपसे विनती करी, रिक्वेस्ट करी कि भाई आप जो है इस वक्त आइए और अपने विचार व्यक्त करिए। चुनाव हम यहाँ के ये प्रधान सदस्य थे अपने, जो ये नए प्रधान थे हैदर कैसर साहब के, लेकिन 5 साल में हम उनके लिए बहुत मेहनत किए और जनता उनको इतना जोड़ो तोड़ से यहाँ से जिता के उनको भेजी थी, लेकिन ये पश्चिम मालना में कोई काम नहीं हुआ। ये नाली नर्दा देख लिए, रोड के ऊपर पानी बह रहा है, कोई सफाई कर्मी नहीं आ रहा है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब हम खुद
कैसर भाई जो सदस्य, मैं उनके मैं सदस्य था, लेकिन 5 पैसे का फायदा नहीं हुआ हमारा बराबर। और जनता का तो छोड़िए, सदस्य का जब 2 रुपए का फायदा नहीं हुआ तो जनता का कहाँ से होगा, कोई काम भी नहीं हुआ। दिल्ली की जनता बहुत उब चुकी है यहाँ से। एक सवाल जो मेरा है कि भी हाल ही में यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था मिलाद का, तो आपने देखा था कि रात में बहुत सारे दिग्गज नेता मौजूद थे उसमें, ऐसा कभी मतलब इस प्रकार का कोई प्रोग्राम होता जो तो, जो चुनाव में ना होता और चुनाव के ऐसे विपरीत होता, तो क्या उसमें भीड़ उस प्रकार से एकत्रित होती? नहीं, ये जो हम लोग पहले कह दिए थे कि ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये हम लोग प्रोग्राम करा रहे हैं और राजनीति वालों का यहाँ पे आना मना है, जो यहाँ आएगा तो राजनीति की तौर से नहीं आएगा, एक कमेटी वालों की तरफ से प्रोग्राम किया था। अब कोई भी काम यहाँ होता कमेटी वाले करते तो पूरा गांव हर कास्ट के लोग मिल के यहाँ आते हैं और सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, हर कास्ट के लोग आके हिस्सा लेते हैं, बैठते हैं हर प्रोग्राम में। हमारे जो यहाँ सुन्नत जमात का प्रोग्राम होता है की कमेटी कर रही है, तो यहाँ हर कौम के हर कास्ट के यादव है, हर सब होके आके बैठते, तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारा अनिल से कोई मतलब नहीं है इसमें। लेकिन ये है कि यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं कि भाई जब आएगा पुराना आदमी तो काम करेगा, बार बार इन लोगों को देने से कोई फायदा नहीं है। आपके हिसाब से मजबूत कैंडिडेट कौन है हल्लोर के लिए? अब मजबूत तो जनता जान रही कि कौन है, या भाई कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं, इसलिए कि जनता आप चाह रही है कि आप खुल के बताइए कौन है। जनता तो सब बता रही है, अभी हमारे सेक्रेटरी साहब तो आपसे बता ही दिए इशारे इशारे नहीं, नहीं बता है। वो इशारा ऐसा जबरदस्त कर दिए लोग यहाँ कंफ्यूज, वही सही कह रहे हैं भाई, जनता की बस वही की बदलाव चाहती है। रिजवी साहब कहते हैं कि ताकिब साहब जीतेंगे, वो भाई साहब बोलिए चुनाव।